हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुड फूड बेटर मूड। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बीट रूट की बिल्कुल नई रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, टेस्टी और बहुत जल्दी बन जाती है। ये रेसिपी मैं आपके कहने पर लेकर के आई हूँ, क्योंकि जब मैंने बीट रूट का पराठे की रेसिपी डाली थी तो मुझे नहीं पता था कि आप लोगों को वो रेसिपी इतनी पसंद आएगी, इतने सारे व्यूज आए, इतने सारे कमेंट आए हैं ना। मुझे बहुत अच्छा लगा है। किसी ने बोला कि पहले मेरे घर में बीट रूट फेंक दिए जाते थे, मेरे घर में मेरी सासू माँ को, मेरे बच्चों को, पूरे परिवार को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगती है। इसी तरह से कुछ और बीटरूट की रेसिपी लेकर के आइए। तो चलिए आज की इस मजेदार सी हेल्दी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी बनाने से पहले हमें कुछ चीजें रेडी करनी होंगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है रोस्टेड चना दाल। ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। जब भी आप इस चने को बाजार से लीजिएगा तो आप इसे टेस्ट करके देख लीजिएगा कि ये नमक वाले चने हैं या बिना नमक वाले चने हैं। नमक वाले चने होंगे तो आप जब रेसिपी में लास्ट में नमक डालोगे ना, तो आपको उसी हिसाब से नमक को कम ज़्यादा करके डालना होगा। तो यहाँ पर मैंने बिना नमक वाले चने जार में डाले हैं। एक तिहाई कप जार में मैंने चना डाल दिया। अभी हमें इससे एक फाइन पाउडर रेडी करना है। आपका फाइन पाउडर रेडी हो गया है, इसे साइड में रखना है। अभी यहाँ पर हमने लिए हैं अपने चुकंदर, और चुकंदर को पहले मैंने अच्छे से पानी से वॉश कर दिया है। उसकी जो जड़ होती है ऊपर की, उसको काट दिया, और अभी इसके ऊपर की जो स्किन है वो हमें हटा लेनी है। स्किन हट गई, अभी हमें इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। जितने छोटे टुकड़े होंगे आपकी रेसिपी उतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। अगर आपके पास कटर वगैरह है तो आप उससे भी चुकंदर को कट कर सकते हो। अभी आप देखिए मैंने कैसे इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, इसे साइड में रखना है। अभी आपको लेना है प्रेशर कुकर, गैस की फ्लेम को लो करना है, 3 से 4 चम्मच तेल डालना है, 1/4 चम्मच जीरा डालना है, 1/4 चम्मच राई डालना है, 1 हरी मिर्ची डालना है, 5 से 6 लहसुन ग्रेट किए हुए डालना है, 1 इंच अदरक डालना है। गैस की फ्लेम को लो कर देना है। लो करने के बाद आपको इसमें डाल देना है अपने कटे हुए बीट रूट। डालने के बाद 7 से 8 इसमें डालने हैं करी पत्ते। गैस की फ्लेम को अब आप मीडियम कर दीजिएगा। मीडियम फ्लेम पर 1 से 1.5 मिनट तक बीट रूट को फ्राई कर लीजिएगा। 1 से 1.5 मिनट के बाद आप देखोगे कि आपके बीट रूट थोड़ा थोड़ा कलर छोड़ने लगे हैं। इसमें डालना है आपको नमक 1/2 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच सब्जी मसाला या गरम मसाला, जो भी मसाला आप खाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो वो 1/2 चम्मच आप डाल दीजिएगा। अभी इसमें डालना है 1/3 कप पानी। डाल करके सारी चीज़ों को मिक्स कर देना है। सारी चीज़ें मिक्स हो गई, अभी हमें इसे कवर करके गैस की फ्लेम को मीडियम करना है और 2 सीटी आने तक इसे पकाना है। अभी आपका कुकर ठंडा हो गया, लिड हटानी है। तो अभी आप देखिए आपके बीट रूट ना काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं और अभी पानी आपको दिखाई दे रहा है। और अभी आपको इसमें डालना है रोस्टेड चना दाल, जो आपने पीस करके रखा था वो डालना है। चना दाल की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। आप चाहो तो इसमें सिर्फ 2 चम्मच चना दाल भी डाल सकते हो। मेरे घर में सभी को ये जो सब्जी है पराठे या रोटी के साथ पसंद आती है, तो मैं इसे थोड़ा सा थिक ही रखती हूँ। आपकी ये हेल्दी बीटरूट की सब्जी बनके रेडी हो गई है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप मेरे कहने से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, और जितना प्यार आपने मेरे बीटरूट पराठे को दिया है उससे ज़्यादा इसे प्यार दीजिएगा। और मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा, और कमेंट करना ना भूलिएगा कि आपको ये सब्जी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।